नमस्कार, स्वागत है सभी का यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर के हमारे इस चैनल पर। और आज हम सुबह मिलने वाले थे 7 बजे, लेकिन टाइम थोड़ा सा लेट हो गया और लगभग 7:30 हो गया। आधा घंटा हमें स्टार्ट करने में लग गया। मैं समय पर थी, कोई गलती नहीं थी, समय पर थी, लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट करने में समय लग गया, कॉन्टेक्ट करने में समय लग गया, क्योंकि सुबह है एकदम से, तो सभी लोग अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा सा हमें उसमें समय थोड़ा बीत गया है। ठीक है, क्षमा चाहूंगी, आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा मैराथन सेशन रहने वाला है और ये मैराथन सेशन है हमारा 2013 और 14 के प्रश्नों का। ठीक है, आप लोग भी बहुत जल्दी आ गए हैं, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, ताकि सभी लोग जुड़ सके इस क्लास के साथ। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार और हैप्पी संडे आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 2013 के प्रश्नों से हमने शुरू करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस क्वेश्चन में शायद आपको महारत हासिल हो चुकी होगी अभी तक। पूछा गया है, टेक्स्ट ग्राफिक्स हेडलाइन और तस्वीरों के साथ एक दस्तावेज को तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल है, क्या कहेंगे? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर आपका डेस्कटॉप प्रिंटिंग। करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी, क्या करेक्ट आंसर है आपका? पूछा गया है, टेक्स्ट ग्राफिक हेडलाइन या तस्वीरों के साथ एक दस्तावेज को तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है? करेक्ट आंसर आप लोगों ने बताना है, क्या करेक्ट आंसर है? आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि ये एक तरीके से प्रकाशन की एक नई टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा आप कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या करते हैं, या ग्राफिक का उपयोग करके आप न्यूज़पेपर, बुक्स या फिर कोई कार्ड्स वगैरह पब्लिश करने का काम करते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी, सभी ने ध्यान में रखना है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी स्टेटमेंट जो है यहां पर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, जिन्होंने भी सी को करेक्ट कहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। एक बार इसकी व्याख्या दोबारा से देख लेते हैं, फुल फॉर्म क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पूरा नाम है। क्या है ये, एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नई तकनीक है, किस क्षेत्र में काम कर रही है, पब्लिशिंग के, प्रकाशन के। क्या किया जाता है, कंप्यूटर और कुछ सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ग्राफिक्स कार्य जो है इसके माध्यम से किया जाता है, और इसके माध्यम से आप न्यूज़पेपर, किताबें या कार्ड की छपाई का काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पूछा गया है, एक एप्लीकेशन से दूसरी लाइन में डेटा ट्रांसफर को कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज नोन एज, क्या कहा जाता है? डायनामिक डिस्क एक्सचेंज, डॉगजी डाटा एक्सचेंज, डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज या फिर डायनामिक डाटा एक्सचेंज, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है, एक एप्लीकेशन से दूसरी लाइन में डेटा का ट्रांसफर करना क्या कहलाएगा, करेक्ट आंसर आपको बताना है। एप्लीकेशंस के बीच में डेटा को हस्तांतरण करने के जो हम कह सकते हैं प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाएगा? विशेषकर ये जो है ये एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल है, एक नियम हम कह सकते हैं, एक दिशा निर्देश हम इसे कह सकते हैं। और ये दिशा निर्देश मुख्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में आप डाटा को हस्तांतरित करेंगे या फिर एक्सचेंज करेंगे या फिर साझा करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान में रखना है, डायनामिक डाटा एक्सचेंज। प्रश्न को आपने ध्यान में रखना है, एक एप्लीकेशन से दूसरी लाइन में डाटा ट्रांसफर, यानी कि एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डेटा का ट्रांसफर आप कर रहे हैं या डेटा को शेयर कर रहे हैं आप, तो ये आपका डीडी, जिसको संक्षिप्त में कहते हैं, ये है क्या, ये जितने भी इसको विशेषकर ये एक प्रोटोकॉल है। किसके लिए प्रोटोकॉल है, संदेशों या फिर दिशा निर्देशों का हम इसे एक समूह भी कह सकते हैं। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में आप डाटा को शेयर करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, तो डी स्टेटमेंट यहां पर हमारा
करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। व्याख्या में भी यही कहा गया है कि डीडीई प्रोटोकॉल संदेशों और दिशा निर्देशों का एक समूह है, मैसेज और जितने भी गाइडलाइंस हैं उनका एक समूह हम इसे कहेंगे, और विशेषकर ये एक प्रोटोकॉल है। ये उन एप्लीकेशन के बीच संदेश भेजता है जो डेटा को साझा करते हैं, और एप्लीकेशंस के बीच में डेटा को आदान प्रदान करने के लिए और साझा मेमोरी का उपयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से किसे सीखने के मौखिक मार्गदर्शन में सबसे कम प्रभावी माना जाएगा, यानी ऐसी कौन सा विकल्प है जो कि लर्निंग के माध्यम से इतना संभव नहीं है, योग्यता, कौशल, दृष्टिकोण या फिर रिश्ते। क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे? करेक्ट आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी। निम्न में से किसे सीखने के मौखिक मार्गदर्शन से आप सबसे कम प्राप्त कर सकते हैं? केवल ओरल वर्बल गाइडेंस से जिसको आप कम प्राप्त कर सकते हैं, वर्बल गाइडेंस से आपके अंदर एप्टीट्यूड आप विकसित कर सकते हैं, अभिवृत्ति आ सकती है आपको जब जगाया जाए, जागृत किया जाए तो, ठीक है, एटीट्यूड आपके विकसित हो सकते हैं, आपका दृष्टिकोण विकसित हो सकता है, रवैया विकसित हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, लेकिन कौशल जो है वो क्रिया के माध्यम से या क्रिया के साथ साथ अगर मौखिक निर्देश दिए जाए तो तब आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो हम यहां पर स्किल की बात करेंगे। बी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जिन्होंने भी कहा बी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पूछा गया है, सीखने में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? एक पर्याप्त प्रदर्शन का गठन करने वाली अंतर्दृष्टि का विकास करना, या नुकसान और खतरों से बचने के वाली अंतर्दृष्टि का विकास करना, या प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान, या निरंतर निदान और उपचारात्मक सहायता का प्रावधान। क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे, ए बी सी या फिर डी? सीखने में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? एक टीचर का लर्निंग में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हो सकता है? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? एक टीचर का लर्निंग में सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या हो सकता है? क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट आंसर है? हमेशा एक टीचर को क्या करना है, बच्चे के अंदर सूझ का विकास करना है, अंतर्दृष्टि का विकास करना है। लेकिन ये अंतर्दृष्टि का विकास क्यों किया जाए? ताकि बच्चा बेहतर प्रदर्शन कर सके। इतनी समझ बच्चे के अंदर विकसित कर देनी है कि बच्चा खुद से प्रेरित होकर के अपने आप बेहतर प्रदर्शन करे। तो आप क्या कहेंगे, एक पर्याप्त प्रदर्शन का गठन करने वाली अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का विकास करना, ए स्टेटमेंट जो है यहां पर हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। जिन्होंने भी ए को सही कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पूछा गया है, सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? जब आप बात कर रहे हैं लर्निंग की, तो लर्निंग से आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या अचीव करना चाहेंगे? व्यक्तिगत समायोजन, पर्सनल एडजस्टमेंट, व्यवहार का संशोधन, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, या खुद को रोजगार के लिए तैयार करना। क्या करेक्ट स्टेटमेंट आप बताएंगे, ए बी सी या फिर डी? जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है, नमस्कार सभी को। और जल्दी से आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर देना है। लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए, करेक्ट आंसर क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? सीखने से जो बेहतरीन चीज आपके अंदर आएगी, जो कुछ भी आपने पढ़ा है किताबों में, जो कुछ भी आपने सीखा है किताबों से, जब तक आप उस चीज को व्यवहार में नहीं उतारेंगे, आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन नहीं होगा, व्यवहार में वो चीज नहीं दिखेगी, तो वो लर्निंग जो है वो इतनी सिद्ध नहीं होगी। इसलिए सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है कि आपके बिहेवियर में, व्यवहार में संशोधन हो, व्यवहार में सुधार हो, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट हमारा यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। जिन्होंने भी बी विकल्प को सही कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पूछा गया है, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं वे होने चाहिए कैसे? स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए उनको, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, पूछताछ जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या फिर व्याख्यान के दौरान परेशान न करने की सलाह दी जाए। करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है? जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं
वे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। अब पहले भी हमने डिस्कस किया था, अक्सर जो है वो चाहते हैं पक्की पकाई चीजें जो है उपस्थित हो जाए, हमें ना दिमाग लगाना पड़े, मैम ये बता दीजिए, मैम वो बता दीजिए, है ना। आपने क्या करना है, अच्छा है बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब उनके अंदर सीखने की ललक है, लेकिन जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपने उनको सब चीजें पहले से ही प्रस्तुत करके नहीं देनी है, आपने उनको ये सलाह देनी है कि अपने आप से इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश कीजिए। जब आपके एफर्ट शायद असफल हो जाएंगे तो उस समय मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर आप उन्हें सलाह देंगे कि स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजें, ठीक है, उसके लिए आप उन्हें मोटिवेट करेंगे। तो ए स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, जिन्होंने भी ए विकल्प को करेक्ट कहा सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पूछा गया है, निम्न शिक्षण विधि में से छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है किसके माध्यम से, चर्चा विधि, व्याख्यान विधि, ऑडियो विजुअल एड्स या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। छात्रों की अधिकतम भागीदारी, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट किससे संभव है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट किससे संभव है, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा शिक्षार्थियों की भागीदारी चर्चा विधि में रहेगी, व्याख्यान विधि में रहेगी, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से रहेगी या फिर पाठ्य पुस्तक विधि में रहेगी। पाठ्य पुस्तक विधि में केवल बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है या टीचर पढ़ रहा है या फिर वो मौन वाचन कर रहा है या फिर वो जोर से उस चीज का उच्चारण कर रहा है, तो ये तो एक तरीके से किसी की भी सहभागिता इसमें नहीं है। ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें अधिकतम भागीदारी की बात कहीं नहीं आती। व्याख्यान विधि केवल एक तरफा संचार इसमें रह जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए यह भी अधिकतम भागीदारी नहीं है। चर्चा विधि में बच्चे जो हैं वो आपस में विशेष चर्चा करके कुछ उत्कृष्ट विचारों को जो है उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा भागीदारी आपका चर्चा विधि ए विकल्प में जो है वो रहने वाली है। तो जिन्होंने भी ए को करेक्ट कहा है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक नमूने के आधार पर सामान्यकृत निष्कर्ष को तकनीक के रूप में जाना जाता है, जर्नलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, क्या कहा जाता है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन या फिर पैरामीटर इंटरफेरेंस यानी कि पैरामीटर अनुमान या सांख्यिकीय अनुमान या फिर उपरोक्त सभी, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सैंपल के आधार पर आप किसी सामान्यकरण या निष्कर्ष की एक टेक्निक को आपने यूज किया, यानी कि वो टेक्निक जिसके माध्यम से आप सैंपल इकट्ठा करते हैं, सैंपल के आधार पर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उस टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं, डेटा एनालिसिस का, डेटा इंटरप्रिटेशन का या फिर पैरामीटर अनुमान का या फिर सांख्यिकीय अनुमान का या फिर उपरोक्त सभी का। ये प्रक्रिया क्या है, डेटा एनालिसिस की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हमने एक नमूनों का अध्ययन किया यानी कि डेटा को कलेक्ट किया और डेटा को कलेक्ट करने के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे। तो हम क्या कह रहे हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यहां पर इस टेक्निक के बारे में पूछा हुआ था कि ये टेक्निक क्या कहलाएगी, तो वो टेक्निक कहलाएगी आपके डेटा एनालिसिस की या डेटा इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, या रिसर्च एप्टीट्यूड से आपका क्वेश्चन है, वो टेक्निक जिसके माध्यम से आप नमूनों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो डेटा विश्लेषण की या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन की तकनीक है, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जिन्होंने भी ए विकल्प को सही कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डीटीएच सर्विस वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ, डीटीएच सर्विस जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी, 2000, 2002, 2004 या 2006, करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है, डीटीएच सर्विस किस वर्ष शुरू की गई थी, ए बी सी या फिर डी, करेक्ट आंसर क्या है, डीटीएच सर्विस किस वर्ष शुरू की गई थी, दिए गए विकल्पों में से ही आपने उत्तर देना है। डीटीएच सर्विस किस वर्ष शुरू की गई थी, ध्यान रखना है डीटीएच सर्विस जो दिए गए विकल्पों से हम बात कर रहे हैं तो वो 2004 में शुरू की गई थी, लेकिन वास्तविक तौर पर जो उसको शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2003 को उसको शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2003 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये जो स्टार्ट प्रारंभिक तौर पर किया था वो किया था
जी ने, ठीक है, जी के स्वामित्व वाली डिश टीवी ने इसको शुरू किया था। ये कोई केबल ऑपरेटरों के कंपटीशन में नहीं उतरे थे, बल्कि इन्होंने शहरी क्षेत्रों में तो केबल सिस्टम था ऑलरेडी, बल्कि इन्होंने क्या फोकस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां केबल की फैसिलिटी नहीं है वहां पर जाकर के टीवी के विभिन्न चैनलों का वहां पर प्रसारण किया जाए। तो इसलिए आपकी डीटीएच सर्विस जो है वो विकल्पों में से 2004 में, वरना 2 अक्टूबर 2003 को ये प्रारंभ की गई थी। तो आपका सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाता है, जिन्होंने भी सी विकल्प को सही कहा है। व्याख्या देख लेते हैं। कहा गया भारत में पहली डीटीएच सेवा जो है वो 2 अक्टूबर 2003 को जी के स्वामित्व वाली डिश टीवी के द्वारा शुरू की गई थी। कंपनी ने महानगरों या शहरी क्षेत्रों में मजबूत केबल ऑपरेटरों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं करने का फैसला किया और इसके बजाय उन ग्रामीण क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जो केबल टेलीविजनों द्वारा सेवित नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेशनल प्रेस डे जो है वो कब मनाया जाता है, 16 नवंबर, 19 नवंबर, 21 नवंबर या फिर 30 नवंबर? नेशनल प्रेस डे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? कल के क्वेश्चन में आपने किया था, प्रेस को भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, चौथा स्तंभ इसलिए क्योंकि ये अपने आप में एक सशक्त तरीके से सरकार की गतिविधियों में या फिर समाज में घटित होने वाली गतिविधियों पे निगरानी रखने का काम करता है, किसी को भी निरंकुश नहीं होने देता है ना। तो इसलिए आपका नेशनल प्रेस डे कहीं ना कहीं प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस को उसकी जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है, ध्यान में रखना है 16 नवंबर, 16 नवंबर को आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो मनाया जाता है। 16 नवंबर को आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ए विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या कहा गया है, एक यह दिन भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ है या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रहरी की भूमिका भी यह निभाता है। तो आपका ए स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी परिषद है जो कि प्रेस के द्वारा प्रेस पर नियंत्रण रखने के लिए ही एक संस्था की, एक काउंसिल की यहां पर स्थापना की गई है। कितने इसके मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं यहां पर पूछा गया है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ध्यान में रखना है प्रेस का, प्रेस के लिए और प्रेस द्वारा, प्रेस का, प्रेस के लिए और प्रेस द्वारा जो है ये एक तरीके से नियामक प्रहरी है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है? प्रेस पर, कोई भी प्रेस की, मीडिया से जुड़ी हुई संस्थाएं निरंकुश ना हो और गलत गतिविधियों को जो है, गलत समाचारों को प्रसारित ना करें, उसके लिए आपका द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो स्थापित किया गया है। कितने इसके मेंबर हैं, तो आपके 28 जो है वो इसके सदस्य है। ठीक है, 28 मेंबर है द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ए स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि करेक्ट आंसर है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एक व्याख्या हम यहां पर देख लेते हैं, क्या इसकी व्याख्या दी गई है, क्या कहा गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चाहे इसको आप आईसीटी का मान लें या फिर आपको कम्युनिकेशन का आप इसको टॉपिक मान लें, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में एक वैधानिक निर्णायक संगठन है जिसका गठन कब किया गया था, 1966 में इसका गठन किया गया था और संसद के द्वारा इसको, इसका गठन जो है वो किया गया। अब ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है, प्रेस का है, यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं, सॉरी जितने भी मेंबर्स हैं इसके, वो प्रेस से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जितने भी मेंबर्स हैं उनका कहीं ना कहीं प्रेस से संबंध है। और किसके लिए संस्था को गठित किया गया है, प्रेस के लिए ही गठित किया गया है और प्रेस के द्वारा ही गठित किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रेस का, प्रेस के लिए या फिर प्रेस द्वारा एक स्व नियामक प्रहरी कहा जाता है, जो कि 1978 में प्रेस काउंसिल एक्ट के तहत काम करता है। परिषद के एक अध्यक्ष होते हैं परंपरागत रूप से, ये कोई भी एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं और 28 जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 28 अतिरिक्त सदस्य इसके होते हैं जिसमें से 20 जो है वो मीडिया पर्सन रहते हैं,
जिन्हें भारत के संचालित समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और अन्य मीडिया आउटलेट द्वारा नामित किया जाता है। 28 सदस्य परिषद में 5 भारतीय संसद के निचले सदन के यानी कि लोकसभा के होते हैं और उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं और 3 साहित्य अकादमी से और उसके बाद कुछ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नामित व्यक्ति के रूप में भी सांस्कृतिक, साहित्य और कानूनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। इनके वर्तमान समय में परिषद के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति चंद्रमौले कुमार प्रसाद जो है वो 2021 में आपकी परिषद के अध्यक्ष के तौर पर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूचना प्रदान करने और प्राप्त करने का अधिकार भारत के संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत किया गया है? यानी कि सूचना प्रदान करने और प्राप्त करने, सूचना का अधिकार जिसे आप कहते हैं वो कौन से एक्ट के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है? भारतीय संविधान के किस एक्ट के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है? सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारत के संविधान के किस एक्ट या फिर किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत आपको प्राप्त हुआ है? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर आपको बताना है सूचना का अधिकार ध्यान में रखना है। जिन्होंने भी कहा है कि भाई 19(1)(a) के तहत आपको सूचना का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 19(1)(a) के तहत ही आप सभी को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है वो भी आपको उपलब्ध है। ठीक है, और साथ ही जब हम बात कर रहे हैं 19(2) की, ठीक है, 19(2) का जो हमारा ये सी स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये क्या कहता है, ये एकदम आपके डी स्टेटमेंट से एकदम उलट बात कहता है। कहता है कि यदि जनहित में आवश्यकता पड़ी तो आपकी अभिव्यक्ति का अधिकार जो है उस पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है 19(1)(a) सूचना का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार आपको दे रहा है और 19(2) आपको दे रहा है कि आपके सूचना के, आपके अभिव्यक्ति के अधिकार पे जनहित में कुछ जो है अगर कंट्रोल करना पड़ा सरकार को तो वो कंट्रोल भी कर सकती है। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर डी स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च शिक्षा के लिए रेडियो का उपयोग किस अनुमान पर आधारित है? हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जब आप रेडियो का इस्तेमाल करते हैं तो किस आधार पर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या मान करके चल रहे हैं कि रेडियो जो है वो पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा को समृद्ध करता है या फिर लंबे समय तक शिक्षक को बदलता है या प्रत्येक व्यक्ति तक एक रेडियो सेट की पहुंच बनाता है या निर्देश के अन्य साधन पुराने हो रहे हैं इसलिए रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है? उच्च शिक्षा में रेडियो का उपयोग किस अनुमान पर आधारित है? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? हम ये मान के चल रहे हैं जब हम हायर एजुकेशन लेवल पर रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई हायर एजुकेशन लेवल पर जब हम रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग सभी के पास रेडियो जैसा एक श्रव्य साधन हम कह सकते हैं सभी के पास जो है वो उपलब्ध होगा। इसलिए सी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी सी विकल्प को करेक्ट कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट आंसर आप देख लेंगे, सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूछ रहा है विषम शब्द को आपने चुनना है जो कि सबसे अलग है। पहला ए स्टेटमेंट कह रहा है नन, अगला कह रहा है शूरवीर, फिर कह रहा है भिक्षु, फिर कह रहा है पुजारी। नन, शूरवीर, भिक्षु या पुजारी, जो सबसे भिन्न है वो आपको छांटना है। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी या फिर डी? स्वाभाविक रूप से नन, भिक्षु, पुजारी ये धार्मिक कृत्यों से संबंधित है। शूरवीर जो है अपने आप में एक
गुण हम इसे कह सकते हैं। तो बी स्टेटमेंट हमारा यहां पर सबसे अलग हो जाता है, ठीक है। बी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीडी रोम स्टैंड फॉर, सीडी रोम की पूरी आपको जो फुल फॉर्म है वो यहां पर बतानी है। सीडी रोम से क्या तात्पर्य है, सीडी रोम से क्या तात्पर्य है। ए बी सी या फिर डी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या फिर कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है। एक तरीके का सीडी रोम आपका मेमोरी डिवाइस हम इसे कहेंगे। ये मेमोरी डिवाइस क्या करता है, ये मेमोरी डिवाइस आपके डाटा को सेव करने के काम आता है, लेकिन ये ऐसा डाटा होता है जिसे आप केवल रीड कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आगे चल करके इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लें, कुछ चीजें काट छाट कर लें, एडिट कर लें, जोड़ लें, तो ये चीजें इसमें संभव नहीं हो पाती। ये ऐसी डिस्क है जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं, यानी कि सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, सी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। तो आपको ध्यान में रखना है ये डिस्क फॉर्म में होती है, ठीक है। आपने भी देखी होगी प्रारंभिक तौर पर कुछ इस तरीके की आपकी होती है, लेकिन डिस्क फॉर्म में होते हुए इसे आप केवल रीड कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो डाटा आपने एक बार सेव कर दिया उसके बाद आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, और आपका एक मेमोरी डिवाइस इसे हम कहेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर का दिमाग जो बाहरी उपकरणों को अपने नियंत्रण में रखता है कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग आप किसे कहते हैं, कॉमन पावर यूनिट को, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट को, सेंट्रल पावर यूनिट को या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे। कंप्यूटर का दिमाग आप किसे कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे आप कहेंगे। जब आपने थ्योरी क्लास करी थी तब भी हमने डिस्कस किया था, कुछ इस आकार का आपका एक उपकरण होता है कंप्यूटर में, है ना, कुछ इस आकार का आपका एक उपकरण होता है। ये उपकरण क्या करता है, ये उपकरण जो भी आप इनपुट डिवाइस के माध्यम से कमांड देते हैं उस कमांड को, उस कमांड में अपना दिमाग लगाता है कि भाई ये कमांड मैं आगे किस आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजूं, ठीक है। मेनली आपकी कमांड को एक्सेप्ट करके उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके ये दिमाग लगाता है कि आगे उसको किसको भेजा जाए उस कमांड को। तो इसीलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और ये है क्या, ये है आपका सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी डी स्टेटमेंट को करेक्ट कहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डेटा को बैंकिंग स्टोरेज माध्यम पर सहेजा जा सकता है जिसे जाना जाता है, सॉरी डेटा को बैंकिंग स्टोरेज माध्यम पर सहेजा जा सकता है जिसे जाना जाता है, डेटा जिसे आप बैक स्टोरेज के माध्यम से सहेजते हैं, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा यहां पर। यानी कि ये एक ऐसा डेटा होगा जिसमें आपको पीछे सीडी रोम आपने पढ़ा था, सीडी रोम आपने पढ़ा था, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी से आप केवल रीड कर सकते थे, आप इसमें राइट नहीं कर सकते थे कोई भी चीज है। अब यहां पर डेटा को बैकिंग स्टोरेज के माध्यम से सहेजा जा सकता है, यानी कि ऐसा डेटा जिसको आप बाद में अगर कोई भी चेंज आप करना चाह रहे हैं, कुछ चीजें जोड़ना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी कहा सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी कि रीराइटेबल अपने आप में ही ये शब्द अपनी व्याख्या को बखान कर रहा है, रीराइटेबल यानी कि इसमें आप दोबारा से चीजें लिख सकते हैं। यहां पर केवल रीड ओनली मेमोरी नहीं है बल्कि कॉम्पैक्ट डिस्क होते हुए एक मेमोरी डिवाइस ही है, आप इसमें चाहें तो इसमें चीजें हेर फेर कुछ कर सकते हैं डाटा की, ठीक है। तो इसलिए सी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जिन्होंने भी सी स्टेटमेंट को करेक्ट कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैजिड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है। ए बी सी या फिर डी, रैम की फुल फॉर्म क्या है,
रैम को आप प्राइमरी मेमोरी के तौर पर भी जानते हैं, मेन मेमोरी के तौर पर भी जानते हैं, और ये भी आपको पता है कि एक सीपीयू का एक पार्ट है। अगर रैम नहीं होगी किसी भी डिवाइस में तो वो काम नहीं करेगा। रैम जितनी बेटर होगी, जितनी बेहतर होगी, उतनी स्पीड से, उतनी अच्छी तरीके से आपका सिस्टम वर्क करेगा। लेकिन रैम जो है वो आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और स्टोरेज से आपका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज से थोड़ा आपका अलग होता है। तो क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो रैम की आपकी फुल फॉर्म है। यानी कि ए स्टेटमेंट जो है यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम ये दोनों ही आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, एक व्याख्या दी गई है, ए स्टेटमेंट करेक्ट है, व्याख्या में आपकी फुल फॉर्म बताई हुई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके रैम की फुल फॉर्म है, आप इसे मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी के तौर पर भी आप जानते हैं। सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डेटा या निर्देश इसमें स्टोर होते हैं और यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है और इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। रैम क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें स्टोर डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता। जब तक रैम में पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक डाटा रहता है। वॉलेटाइल से क्या तात्पर्य है? ऐसी मेमोरी जो कि अगर अचानक से पावर सप्लाई बंद हो जाती है, आपने सिस्टम ऑन किया और जहां पर भी आपने सिस्टम ऑन किया अचानक से आपने कोई फाइल ओपन करी, अचानक से आपके सिस्टम बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो ऐसी लाइट चली जाती है किसी भी कारण से, प्लग आप निकाल दें अचानक से, तो ऐसी स्थिति में अगर लाइट की सप्लाई बंद हो जाए तो जो फाइल आपने ओपन की थी वो भी आपको दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपने डेटा को सेव नहीं किया है तो वो दोबारा से आपका वो डाटा आपको टाइप करना पड़ेगा, वो डाटा आपका गायब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर शटडाउन होने पर रैम का सारा डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है। सीपीयू का एक पार्ट है, कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता इसके बिना। प्राइमरी मेमोरी है, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अस्थाई मेमोरी से ये थोड़ा तेज होती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है आपकी रैम, और थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन स्टोरेज से थोड़ा अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब यहां पर पूछा गया है WWW की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट हु व्हाट वेयर या फिर वियर्ड वाइड वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? ए बी सी या फिर डी? WWW की फुल फॉर्म आपने बतानी है, क्या करेक्ट फुल फॉर्म है? WWW की फुल फॉर्म आपने बतानी है। बच्चे संडे के लिए केवल अभी हमारी मॉर्निंग की टाइमिंग रह रही है, लेकिन रेगुलर जो है वो हम 5 से 6 मुलाकात करते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं पहले इंफॉर्मेशन दे रही हूं, संडे के लिए थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में क्लास रख ली गई है, इसलिए बाकी हमारी यूजुअल टाइमिंग जो है वो 5 to 6 PM जो है इवनिंग में रेगुलर जैसे होती है वैसे होती रहेगी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। जिन्होंने भी कहा है वर्ल्ड वाइड वेब, यही वर्ल्ड वाइड वेब जिसके माध्यम से आप इंटरनेट में जो भी काम कर पा रहे हैं वो संभव है। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पूछा गया है हाल ही के दशकों के दौरान वनों की कटाई का कारण है, हाल ही के दशकों के दौरान वनों की कटाई का कारण है मिट्टी का कटाव, भूस्खलन, जैव विविधता का नुकसान या उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है? ए बी सी या फिर डी? हाल के दशकों के दौरान वनों की कटाई के कारण, जंगलों को आप काट देंगे तो उससे आपको क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन से क्या तात्पर्य है? कि आपके ऊपर की उपजाऊ जो भूमि है जंगलों को काट देने से वो बहती हुई, अगर बारिश होगी तो बारिश के पानी के साथ बहती हुई जो उर्वरक भूमि है वो आगे आपकी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका भूस्खलन, जमीन का खिसक जाना, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो जमीन जो है वो हल्की, पेड़ की जड़ें मिट्टी को अपने में जकड़े रहती हैं, जब आपके पेड़ ही नहीं रहेंगे तो भूस्खलन होगा, मिट्टी खिसकना चालू कर देगी ज्यादा बारिश से। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जंगलों में आपको बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, बहुत सारे वनस्पति आपको देखने को मिलते हैं, तो जंगलों को काट देने से बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचेगा, तो हम क्या कहेंगे?
डी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट आंसर है, यानी कि उपरोक्त तो सभी जो है वो सही है, जंगलों को काटने के परिणाम ये होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संकट उच्चतम मानव आपदा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि कौन सा ऐसा संकट है जिसके माध्यम से सबसे ज्यादा तबाही संभव हो सकती है। भूकंप, हिम तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर सुनामी। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? प्राकृतिक आपदाएं दी हुई हैं, अब इनमें से आपको पहचानना है कौन सी ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो सबसे ज्यादा मानव को या फिर मानव को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? भूकंप, हिम तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर सुनामी। करेक्ट आंसर क्या है? हालांकि सभी आपदाएं मनुष्य को, जन या धन दोनों प्रकार की हानियों को झेलने को मिल सकती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा भीषण तबाही मचाएगी वो है हमारी सुनामी। हमारी सुनामी नहीं है, ठीक है? तो डी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी डी को करेक्ट कहा है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? सुनामी जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर नेचुरल हैजार्ड मिटिगेशन। क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय सहायता, समय पर चेतावनी प्रणाली, पुनर्वास या सामुदायिक भागीदारी। यानी कि अगर प्राकृतिक आपदा आ रही है तो किसके माध्यम से उसका जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है? अंतरराष्ट्रीय सहायता से समय रहते चेतावनी, लोगों को अवेयर कर दिया जाए कि हाँ इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आने वाली है, या पुनर्वास कार्यक्रम, जैसे तबाही हो जाती है, प्राकृतिक आपदा आती है उसके बाद ही पुनर्वास होगा, या सामुदायिक भागीदारी से। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? देखिए, सुनामी जब आती है तो अपने साथ, सुनामी कब आती है, जब समुद्र के समुद्र के नीचे भूकंप आता है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, वो तबाह होकर के इतनी ऊंची तरंगे उत्पन्न करते हैं कि जितने भी समुद्र के आसपास के, कह सकते हैं कि क्षेत्र हैं समुद्र के आसपास में, और सुनामी कोई सामान्य चीज नहीं है, बहुत भीषण तरंगे होती हैं। अब आप पीछे की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, भूकंप का एक निश्चित केंद्र रहेगा, तो उस निश्चित केंद्र में, हालांकि भूकंप भी अपने आप में सभी प्राकृतिक आपदाएं नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जो सुनामी की लहरें होती हैं वो अपने आप में काफी भीषण होती हैं, और जितना भी क्षेत्र आया वो सुनामी में समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ निकल गया, तो काफी नुकसानदेह है। जब भी बाढ़ या फिर सुनामी जैसी स्थिति आती है वो बहुत भयंकर है, आप उससे बचने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि वो पानी का फोर्स इतना ज्यादा आता है। अब इसका छोटा सा उदाहरण, आपको ज्यादा लंबा याद ना हो, उत्तराखंड में थोड़े समय पहले केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी वो आपको ध्यान में हो, पानी जब अपने प्रवाह के साथ आता है ना तो वो सबसे ज्यादा तबाही मचाता है, ठीक है? और हम लोगों ने खुद ये चीजें अनुभव की हैं इतने पिछले टाइम में कि कितनी ज्यादा इसने भीषण तबाही मचाई थी। तो पानी अपने आप में एक बहुत ज्यादा खतरनाक, हम इसे कह सकते हैं कि जल जब प्रलय करता है ना तो बहुत ज्यादा उसका नुकसान होता है। आपको जल देखने में बहुत शीतल लगता है, लेकिन वहीं अगर यह जल अपने वेग में आ गया तो बहुत ज्यादा नुकसान। कभी किसी, उसको कोई डैम है, डैम के ऊपर कभी चढ़ के देखिएगा, कभी प्राकृतिक तौर पर, या कोई नदी जो जिसमें खूब पानी हो, समुद्र में भी जब आप आगे जाएंगे तो आपको समुद्र देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना और उसकी लहरें जब आपको धकेलती हैं तो वो बहुत एक खतरनाक एक्सपीरियंस होता है ना। चलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक आपदा को कम कैसे किया जा सकता है। पहले ही समय रहते लोगों को अवेयर कर दिया जाए कि हाँ प्राकृतिक आपदा आने वाली है इस किस्म की, तो लोग जो है वो स्थान खाली कर सकते हैं। इसलिए समय पर चेतावनी प्रणाली जो है उससे आपके प्राकृतिक आपदा के नुकसान को कम किया जा सकता है। बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। मेट्रो सिटी में मलिन बस्तियां निम्न का परिणाम है। स्लम इन मेट्रो सिटी आर रिजल्ट ऑफ किसका परिणाम है? ग्रामीण से शहरी प्रवास, शहर की गरीबी स्केप, या फिर शहरी बुनियादी ढांचे की कमी, या शहरी शासन। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है?
करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है। पूछा गया है स्लम एरिया में जो जो मेट्रो सिटी है वहां पर स्लम एरिया क्यों स्थापित हो रहा है बहुत ज्यादा। आप देख रहे हैं मुंबई में या फिर दिल्ली जैसे शहरों में आपको झुग्गी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कारण क्या है कि ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पदार्पण कर रहे हैं, ठीक है, माइग्रेशन हो रहा है रोजगार की तलाश में, कोई बेहतर नौकरी मिल जाए, जीवन यापन हो जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इतने रोजगार नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम क्या कहेंगे, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, गांव से शहरी क्षेत्रों में जो प्रवास कर रहे हैं लोग उससे मेट्रो सिटीज में स्लम्स जो है वो कायम हो रहे हैं। तो आपका ए स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, महान भारतीय बस्टर्ड पक्षी कहां पाया जाता है? भारत के थार रेगिस्तान में, भारत के तटीय क्षेत्र में, हिमालय के समशीतोष्ण वन में, या फिर हिमालयी तल के तराई क्षेत्र में? क्या कहेंगे, महान भारतीय बस्टर्ड पक्षी आपको कहां मिलता है? शतुरमुर्ग जैसा आपको नजर आ रहा है जो ये पक्षी है, भारी शरीर का लेकिन तब भी अच्छी उड़ान ये भर लेता है, ठीक है, कहां पर मिलता है? भारत के थार रेगिस्तान में ये मिलता है। तो ए स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर है, भारत के थार रेगिस्तान में आपको ये महान भारतीय बस्टर्ड पक्षी जो है वो मिल जाता है। तो ए विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही है। क्या व्याख्या दी गई है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर इंडियन बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक बस्टर्ड पक्षी है। क्षैतिज शरीर और लंबे नंगे पैरों वाला ये एक बड़ा पक्षी है जो कि शतुरमुर्ग जैसा दिखता है, लेकिन यह पक्षी उड़ने वाले पक्षियों में एक सबसे भारी पक्षी माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूछा गया है द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर इज नोन एज, पहली भारतीय सैटेलाइट जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है कौन सी है? ए बी सी या फिर डी, करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहली भारतीय सैटेलाइट जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है कौन सी है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी? पहली भारतीय सैटेलाइट, ये शब्द आपने ध्यान में रखना है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर, पहली भारतीय सैटेलाइट जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या है, ईडीयू सेट, जिसको आप जीसेट 3 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं, जीसेट 3 के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो जीसेट 3 कह लीजिए या फिर ईडीयू सेट कह लीजिए, बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ये क्या है, एक तरीके का संचार उपग्रह है जिससे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन के द्वारा 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, 20 सितंबर 2004 को इसे लॉन्च किया गया। तारीख भी आपको याद रखनी है अगर क्वेश्चन आता है तो। यह पहला भारतीय उपग्रह है जिसे विशेष रूप से केवल शैक्षिक क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में सेवा देने के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य जो विकल्प है उनकी भी हम एक बार व्याख्या देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका सतेदु जो है वो लिखा हुआ है, कहा गया ये एक शैक्षिक उपग्रह जिसे कि स्कूल प्रयोगशालाओं, कक्षाओं, तकनीक विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान केंद्रों में प्रयोग किए जाने के लिए एक नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको से इंजीनियरिंग संस्थान में डिजाइन, निर्मित और पूरी तरह से मान्य किया गया। अगला है इनसेट 1B, तो इसके बारे में कहा गया कि एक भारतीय संचार उपग्रह था जो कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा था, 30 अगस्त 1983 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला है जीसेट 3, जिसको कि हम ईडीयू सेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस प्रश्न का हमारा उत्तर था। ये भी आपका एक संचार उपग्रह है जिसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब लॉन्च किया, 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया। और ईडीयू सेट पहला भारतीय उपग्रह है जिसे कि विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र में सेवा देने के लिए बनाया गया है। अगला है आपका इनसेट सी, तो इनसेट 3C के नाम से भी हम इसे जान रहे हैं, इसरो द्वारा निर्मित एक बहुउद्देशीय उपग्रह है। जनवरी 2002 में एरियन स्पेस द्वारा से प्रक्षेपित किया गया इनसेट 3C, इनसेट 3 श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
पूछा गया है। इग्नू के विशिष्ट शैक्षिक चैनल के रूप में जाना जाता है। इग्नू ने अपने दो शैक्षिक चैनल जो हैं वो स्थापित किए हुए हैं, एक आपका टीवी और दूसरा आपका रेडियो पर आधारित। ठीक है, अब यहां पर आपको चुनना है कि एक शैक्षिक चैनल कौन सा है इग्नू का, ज्ञान दर्शन, सियानवाणी, दूरदर्शन या फिर प्रसार भारती। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है? इग्नू अपने आप में एक केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन सेंट्रल होते हुए भी एक ओपन मुक्त यूनिवर्सिटी से हम कहेंगे। ठीक है, और पूर्व हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्हीं के नाम पर इसको नाम दिया गया, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, उसने आपका एक शैक्षिक चैनल स्थापित किया हुआ है, वो आपको बताना है। इग्नू की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1985 में इग्नू को एस्टेब्लिश किया गया था। अब यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है कि कौन से वो शैक्षिक चैनल है जिनके माध्यम से इग्नू जो है अपने शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, तो टीवी चैनल की जब हम बात करते हैं वो है आपका ज्ञान दर्शन। क्या है? ज्ञान दर्शन। और जब हम बात कर रहे हैं रेडियो चैनल की तो वो क्या है? वो है आपका ज्ञान वाणी। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? ज्ञान दर्शन, ये उनका टीवी चैनल है। ठीक है, लेकिन ज्ञान वाणी ये उनका रेडियो चैनल है, लेकिन इनमें इग्नू के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। ठीक है, चलिए, ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर है। व्याख्या में कहा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको आप संक्षिप्त में इग्नू के नाम से भी जानते हैं, ये कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में जो है ये स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके नाम पर इसका नाम रखा गया? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसे इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के तौर पर नाम दिया गया, और ये भारत के संसद द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के तहत पारित करने के बाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1985 में 20 मिलियन के बजट के साथ इसको एस्टेब्लिश किया गया, और इग्नू भारत की केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया, और 3 मिलियन से अधिक छात्रों के कुल सक्रिय नामांकन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने का दावा करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सेवाग्राम, नई दिल्ली, वारधा या फिर अहमदाबाद। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? ये जो विश्वविद्यालय है ये भी संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, और कहां पर स्थित है ये आपको बताना है, तो ध्यान में रहे ये आपका स्थित है वारधा में। ठीक है, वारधा महाराष्ट्र में ये स्थित है, तो आपका सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाता है, जिन्होंने भी सी स्टेटमेंट को करेक्ट कहा है। ठीक है, और हिंदी पढ़ने के लिए ये आपका एक काफी रेपुटेटेड संस्थान है, तो आपका सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक व्याख्या हम यहां पर देख लेते हैं, कहा गया है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वारधा महाराष्ट्र भारत में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से शुरू किया गया, 8 जनवरी 1997 को राष्ट्रपति की सहमति से प्राप्त हुई, और अधिनियम का उद्देश्य शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार और विकास के लिए एक शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना और समावेश करना था। आगे कह रहे हैं, एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को अधिक कार्यात्मक दक्षता और मान्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए यह दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सूची एक और सूची दो में मिलान करना है। सूची एक में संस्थान दिए हुए हैं, सूची दो में यह बताया गया है कि वो संस्थान कहां पर स्थित है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज या फिर इग्नू, कौन सा संस्थान कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? ये बच्चे इधर को शिफ्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका शिफ्ट टाइपिंग में इधर उधर हो गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है? ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी, करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा संस्थान कहां पर स्थित है? कौन सा संस्थान कहां पर स्थित है?
अब यहां पर देखेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, तो जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये है आपका हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्रामोदय विश्वविद्यालय की, तो ये ग्रामोदय विश्वविद्यालय आपका स्थित है चित्रकूट में, ठीक है। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडी, तो ये कहां पर है, ये है आपका धर्मशाला में। अगला है इग्नू, अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन किया, तो इग्नू कहां पर है, नई दिल्ली में। तो हमने इस आधार पर चयन किया कि हमारा ए स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी ए को सही बताया सभी का विकल्प जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, ए हमारा सही उत्तर हो गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूछा गया है शिक्षा का व्यवसायीकरण का उद्देश्य क्या है, जो हम एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो हम व्यवसायीकरण, व्यवसायिक शिक्षा को जब हम बढ़ावा दे रहे हैं, इस प्रश्न को इस तरीके से करिएगा, द एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जब हम शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं तो उससे क्या फायदा हो सकता है, ज्ञान के साथ छात्रों को एक व्यवसाय के लिए तैयार किया जा सकता है, उदार शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा में परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर सामान्य शिक्षा की तुलना में व्यवसायिक को अधिक महत्व दिया जा सकता है या फिर उदार शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाया जा सकता है। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी, करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या सही उत्तर है। जब हम बात करते हैं शिक्षा के व्यवसायीकरण की, तो शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या प्रभाव हो सकता है, कि हमें नॉर्मल शिक्षा भी मिलती रहे, हमारी जो एजुकेशन है वो भी चलती रहे, लेकिन साथ में अगर कभी हमें ऐसा मौका आता है कि हमें एजुकेशन को बीच में ही छोड़ना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में जब आप एजुकेशन बीच में छोड़ेंगे तो अचानक से आपको रोजगार तो मिलेगा नहीं, लेकिन जब आपने व्यवसायिक शिक्षा यानी कोई ना कोई शिक्षा रेगुलर स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए वोकेशनल शिक्षा भी आपने ली होगी, तो आप जब भी अपनी स्टडीज को जहां पर भी छोड़ते हैं अगर आपके अंदर कोई स्किल्स रहेंगे तो आप उस स्किल के फील्ड में आप जाकर के कोई ना कोई अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारी नॉर्मल उदार शिक्षा है, जो नॉर्मल हमारी स्कूल कॉलेज की एजुकेशन है, उसको रोजगार उन्मुख बनाया जाए, कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ आपको कोई जॉब भी मिल जा रही है, इसलिए मेकिंग लिबरल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड, डी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। जिन्होंने भी डी कहा था सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कूटों में दिए गए उचित विकल्प का चयन करना है, चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव गिवन इन कोड टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क जहां पर दिया गया है इस स्थान को पूरा करना है, मधुमक्खी शहद गाय दूध, शिक्षक को आप किससे प्रतिस्थापित करेंगे, इंटेलिजेंस मार्क्स लेसन या फिर विजडम, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है, बी हनी काउ मिल्क, और टीचर का आप किससे जो है कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे, टीचर को हमने विजडम, ठीक है, विजडम से कनेक्ट किया, बुद्धि से कनेक्ट किया, यानी कि शिक्षक जो है वो बुद्धि से हम उसको जोड़ रहे हैं, तो हालांकि इंटेलिजेंस और विजडम में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन हम ज्यादा बेटर वर्ड है वो हमारा विजडम है, तो हमने उसको चुन लेना है यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर है। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है पी आर का पिता है और एस क्यू का पुत्र है, तो टी पी का भाई है, यदि आर एस की बहन है तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी, करेक्ट आंसर क्या आप बताएंगे, क्या करेक्ट आंसर है, हम कहेंगे कि भाई वो उसकी सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, तो बी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट आंसर होता है, जिन्होंने भी बी विकल्प को सही कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूछा गया है WWW स्टैंड फॉर, WWW से आप क्या समझते हैं, वर्क विद वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वर्थ वाइल्ड वेब, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया हुआ है और यहां पर भी आपसे पूछा गया है WWW की
फुल फॉर्म क्या है? WWW की फुल फॉर्म क्या है? क्या कहेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब। सी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जिन्होंने भी सी को सही कहा है। अगला क्वेश्चन है, एक गीगाबाइट किसके बराबर है? एक गीगाबाइट किसके बराबर है? 1024 मेगाबाइट के, या 1024 किलोबाइट के, या फिर 1024 टेराबाइट के, या फिर 1024 बाइट्स के? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? एक गीगाबाइट किसके बराबर है? 1024 मेगाबाइट मिलकर के आपका एक गीगाबाइट जो है बनाते हैं। तो ए स्टेटमेंट यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जिन्होंने भी ए विकल्प को सही कहा है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूछा गया है, एक कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो परिवर्तित करता है किसको? अक्षर से बिट्स में, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में, या उच्च स्तरीय भाषा के लिए मशीनी भाषा में, या बिट्स को शब्द में? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? एक कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो परिवर्तित करता है। कंपाइलर अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि काफी बार क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। कंपाइलर करता क्या है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या कर रहा है? मशीनी भाषा को परिवर्तित कर, सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज को परिवर्तित कर रहा है आपकी मशीनी भाषा में। इसलिए कंपाइलर का क्या काम है, एक तरीके से आपका ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है, और यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इंटरप्रेट करता है। बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जिन्होंने भी बी को करेक्ट कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है, कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है जिसके कारण सतही ओजोन का प्रदूषण प्रदूषक के रूप में निर्माण होता है? जो आपकी सरफेस ओजोन है, वो सरफेस ओजोन किसके माध्यम से एक प्रदूषक पॉल्यूटेंट बन जाता है? परिवहन क्षेत्र से, प्रतिशत या एयर कंडीशनिंग से, आर्द्र भूमि से, या फिर उर्वरक से? क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे, क्या करेक्ट आंसर है? निम्न में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है जिसके कारण सतही ओजोन का प्रदूषक के रूप में निर्माण हुआ है? सतही ओजोन का, सरफेस ओजोन का प्रदूषक के रूप में निर्माण हुआ है, क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे? जिन्होंने भी कहा है बी, हमारा जो ए स्टेटमेंट है, यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर करेक्ट है, ठीक है, यातायात परिवहन क्षेत्र जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। वायु प्रदूषण के साथ मिलकर के आपका सरफेस ओजोन जो है, सतही ओजोन, जिसे हम बैड ओजोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आपसे पहले भी हमारी इस पर चर्चा हुई है, दो तरीके की ओजोन पर्यावरण में मौजूद है, एक गुड ओजोन जो कि समताप मंडल में उपस्थित है, दूसरी बैड ओजोन जो कि शोभ मंडल में उपस्थित है। लगभग 90% ओजोन है जो समताप मंडल में उपस्थित है, वो हमारे लिए गुड है। कैसे गुड है? क्योंकि वो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन वहीं जो शोभ मंडल में ओजोन मौजूद है, वो हमारे लिए वायु प्रदूषण का एक कारक बन जाती है। आपको आंखों में जलन, इरिटेशन जो है इसके माध्यम से होने लग जाती है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ए स्टेटमेंट यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के शहरों में स्मॉग में मुख्य रूप से शामिल है, जब शहरी क्षेत्रों में बात कर रहे हैं तो शहरी क्षेत्रों में आपको स्मॉग देखने को मिलता है, ये स्मॉग का कारण क्या है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और असंचित हाइड्रोकार्बन, या कार्बन मोनोऑक्साइड और SPM, या फिर सल्फर और ओजोन के ऑक्साइड? करेक्ट आंसर आप क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? ABC या फिर D? भारत के शहरों में स्मॉग जो है वो मुख्य रूप से शामिल है, उसमें शामिल क्या होता है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जो आपके असंचित हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो बी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी बी को करेक्ट कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों में मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना है? भूकंप, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट, या फिर सूखा? करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, आंसर मैंने छुपा दिया, स्क्रीन पे आंसर आ गया था, है ना। निम्न में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों में मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे ज्यादा संभावना है? भूकंप,
जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर सूखा और बाढ़? करेक्ट आंसर आप क्या कहेंगे? अभी पीछे हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ था जिसमें आपके पास विकल्प था सुनामी का भी, लेकिन यहां पर अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन पूछा गया है, उसको सुनामी को हटा दिया गया है और कहा गया है भूकंप, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर सूखा और बाढ़। ध्यान रखें, मैंने आपको तब भी ये कहा था पानी जो है वो काफी भीषण तबाही मचाता है, तो इसलिए यहां पर सूखा और बाढ़ जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, सूखा, जब आपके पास पानी ही नहीं है, पानी ही नहीं है तो क्या होगा? पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, केवल पीने के लिए ही नहीं रहेगा बल्कि फसल भी हमारा उत्पन्न नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं अकाल पड़ने की भी इससे संभावना है कि अनाज नहीं उत्पन्न हो रहा है, लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है तो कहां से अनाज की उत्पत्ति होगी? तो इसलिए सूखा और बाढ़ जो है ये सबसे ज्यादा भीषण तबाही यहां पर मचाएगा, डी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यूजीसी के संदर्भ में है, पूछा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह है 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, या इसे उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय करने का काम सौंपा गया था, या यह केंद्र सरकार से योजना और गैर योजना निधि प्राप्त करता है, यह राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकारों से धन प्राप्त करता है? क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे, ए बी सी या फिर डी? करेक्ट आंसर आपको प्राप्त करना है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया, ये आपने ध्यान देना है, करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय करने का काम ये करता है, हायर एजुकेशन को प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, केंद्र सरकार से योजना और गैर योजना निधि प्राप्त करता है, फंडिंग कहां से मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है, ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि ये राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकारों से धन प्राप्त करता है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो डी स्टेटमेंट यहां पर हमारा इनकरेक्ट होता है, जिन्होंने भी डी को इनकरेक्ट कहा है, ठीक है, डी आंसर आपका यहां पे हो जाता है, तो डी आपको स्क्रीन में भी नजर आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कथन अधिकांश विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं को सत्य मान लिया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन युग्म सत्य होने का दावा किया जा सकता है? सभी आज्ञाकारी व्यक्ति छात्र हैं, सभी छात्र आज्ञाकारी हैं, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, कुछ छात्र आज्ञाकारी नहीं है, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, यदि कथन अधिकांश विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं इसको सत्य मान लिया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन युग्म सत्य होने का दावा किया जा सकता है? जो पॉजिटिव है वही सत्य होगा क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं, ये यहां पर कहा गया है, सभी आज्ञाकारी व्यक्ति छात्र हैं या सभी छात्र आज्ञाकारी हैं या कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं या कुछ छात्र अवाज्ञाकारी नहीं है, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी? करेक्ट आंसर आप किसे बताएंगे? अधिकांश विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं, ये स्टेटमेंट सेम कौन रिपीट कर रहा है, सभी आज्ञाकारी व्यक्ति छात्र हैं या सभी छात्र आज्ञाकारी हैं या फिर कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं या फिर कुछ छात्र अवाज्ञाकारी नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट आप किसे कहेंगे कि भाई हमारा दूसरा और तीसरा जो है यहां पर करेक्ट है? तो जिन्होंने भी बी विकल्प को करेक्ट कहा है सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है, एक टीचर अपने ब्लैक बोर्ड का सबसे बेहतर यूज कैसे कर सकता है, द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय द टीचर, किस विधि से, शिक्षण की बात को श्वेत श्याम पर लिखें या छात्रों को चौकस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है या महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है या सुखद शिक्षक को हाईलाइट करके,
क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी। ब्लैकबोर्ड राइटिंग भी अपने आप में एक टीचिंग स्किल है, तो जब भी ब्लैकबोर्ड राइटिंग करें की पॉइंट्स आपने मेंशन करने होते हैं, ठीक है। सारे डिटेल चीजें ब्लैकबोर्ड पर पकी पकाई बच्चों को प्रेजेंट नहीं करनी है, जो कि अक्सर स्कूलों में ये अपनाया जाता है, लेकिन ब्लैकबोर्ड की स्किल क्या है, केवल की पॉइंट्स जो हैं वो लिखे जाएं, और अगर कोई भी संबंधित चित्र या डायग्राम वगैरह की आवश्यकता है बच्चों को समझाने के लिए तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर कहते हैं, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखने के लिए, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, जिन्होंने भी सी को करेक्ट कहा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अधिकांश शिक्षक महिलाएं होती हैं, होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों की तुलना में बच्चों को ये बेहतर पढ़ा सकती हैं, पुरुषों की तुलना में बुनियादी सामग्री को बेहतर जानती हैं, कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती हैं, या बच्चों के साथ प्यार और स्नेह के साथ पेश आती हैं। करेक्ट आंसर आप क्या कहेंगे, प्राइमरी लेवल पर महिला शिक्षक अधिक होती हैं। कारण क्या है इन महिला शिक्षकों की अधिकता का, क्योंकि महिलाओं में एक स्वाभाविक मातृत्व का गुण है, इसलिए वो बच्चों छोटे बच्चों के साथ ज्यादा सेंसिटिव रहती हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, बच्चों के साथ प्यार और स्नेह से वो पेश आती हैं। डी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है, जिन्होंने भी डी को करेक्ट कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह छात्रों पर नियंत्रण कर लेता है, या छात्रों से सम्मान का आदेश देता है, अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक योग्य है, या फिर उच्च अधिकारियों के बहुत करीब है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। एक टीचर अपने टीचिंग प्रोफेशन को एंजॉय कर रहा है जब वो जिस ग्रुप को पढ़ा रहा है, जो कि है स्टूडेंट्स, उनसे रिस्पेक्ट प्राप्त कर रहा है। रिस्पेक्ट कब प्राप्त कर रहा है, जब बच्चे उसका सम्मान कर रहे हैं, यानी कि चीजों को समझ पा रहे हैं, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से समस्या समाधान हो रही है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो बी स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जिन्होंने भी बी विकल्प को करेक्ट कहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक शोध पत्र है, यानी कि रिसर्च पेपर क्या है, एक विषय पर जानकारी का संकलन, या फिर लेखक के द्वारा साझा किया गया मूल शोध इसमें शामिल है, या फिर मैं अन्य लोगों द्वारा किए गए शोध के सहकर्मी की समीक्षा की गई मूल शोध या मूल्यांकन शामिल है, या एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। रिसर्च पेपर क्या है, रिसर्च पेपर एक आप थीसिस लिखते हैं, उसके बाद कुछ रिसर्च पेपर होते हैं, फिर आपके कुछ रिसर्च आर्टिकल भी होते हैं, तो ये विभिन्न चीजें हैं, क्या ये भी आपको पता होनी चाहिए। थीसिस निबंधात्मक रूप में सबसे डिटेल आपका रिसर्च होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके रिसर्च पेपर, इतने डिटेल में नहीं होते जितने कि आपका रिसर्च पेपर आपका थीसिस रहता है, उससे थोड़ा कम कुछ पन्नों में आपके सीमित हो जाते हैं, लेकिन रिसर्च आर्टिकल ये बहुत उस सबसे संक्षिप्त रूप है आपका रिसर्च का, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, रिसर्च पेपर क्या है, ध्यान में रखना है, रिसर्च पेपर में अन्य लोगों द्वारा किए गए शोध के सहकर्मियों की समीक्षा की गई मूल शोध या मूल्यांकन जो है वो इसमें शामिल होता है। कंटेन पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च एंड इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट यहां पर आपका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी सी को करेक्ट कहा है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है, अनुसंधान नैतिकता की श्रेणी में आता है, कौन सा विकल्प जो है वो रिसर्च एथिक्स में आता है, संपादकों को बताए बिना एक ही पेपर को दो शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करना, प्रासंगिक क्षेत्र या फिर प्रासंगिक पूर्व कार्य में अन्य लोगों के योगदान को स्वीकार करने वाले साहित्य की समीक्षा करना। अगला कह रहा है, एक शोध पत्र में अपने कारणों पर चर्चा किए बिना डेटा सेट के आउटलेटर्स को ट्रिम करना, या एक सहयोगियों को एक शोध पत्र पर एक लेख के रूप में एक एहसान में के बदले में शामिल करना, और भले ही सहयोगी ने कागज में गंभीर योगदान नहीं दिया हो। करेक्ट आंसर आप क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है। अच्छे रिसर्च एथिक्स में क्या आएगा, अच्छे रिसर्च एथिक्स में क्या आएगा, पॉजिटिव गुण आपने बताना है, रिसर्च में आप बेहतर कर रहे हैं, एथिक्स का नैतिकता का पालन कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे,
प्रासंगिक क्षेत्र या फिर प्रासंगिक पूर्व कार्य में अन्य लोगों के योगदान को स्वीकार करने वाले साहित्य की आप समीक्षा करेंगे। ठीक है, बी स्टेटमेंट आपका रिसर्च एथिक्स से संबंधित है। अन्य विकल्प आपके रिसर्च एथिक्स से एक अच्छे रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत नहीं आते। तो जिन्होंने भी बी स्टेटमेंट को करेक्ट कहा, सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपसे पूछा गया एक वर्कशॉप है क्या? वर्कशॉप आप किसे कहेंगे जिसमें किसी विषय पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, या किसी विषय पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई जाएगी, या एक कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय में एक कक्षा जिसमें कि एक शिक्षक और छात्र एक विषय पर चर्चा करते हैं, या फिर एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक कौशल या तकनीक के विकास पर जोर देने वाले एक छोटे समूह के लिए एक संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है। एक कार्यशाला है क्या? है एक वर्कशॉप। कौशल या फिर कोई तकनीक विकसित करने की कोशिश की जाती है, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट आता है, आपको कुछ स्किल्स सिखा करके जाता है, क्रियापरक अधिगम आप वर्कशॉप में करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोई भी विशिष्ट समस्या, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको हल करने के लिए एक कौशल एक टेक्निक के विकास पर जोर दिया जाता है, और एक छोटे समूह में एक संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जो है वहां पर तैयार किया जाता है। तो डी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है कि वर्कशॉप क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूछा गया है एक कार्य परिकल्पना है। एक कार्य परिकल्पना यानी कि एक वर्किंग हाइपोथेसिस, जब आप बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस की, या हाइपोथेसिस है क्या, क्या करेक्ट आंसर कहेंगे। एक तर्क के लिए एक सिद्ध परिकल्पना, परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, आगे के शोध के लिए एक अस्थायी रूप से स्वीकृत परिकल्पना है, या एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या करेक्ट आंसर आप कहेंगे कि क्या करेक्ट आंसर है। हाइपोथेसिस क्या है? आप क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस या आपका एक अनुमान है, आपने डाटा कलेक्ट किया आपने विषय के संदर्भ में, उस आधार पर आप एक अनुमान पर पहुंचे, बाद में आप उस अनुमान को कहीं ना कहीं सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, बाद में आपके हाइपोथेसिस टेस्ट आप करते हैं, वहां पर आपके हाइपोथेसिस सही हुए या नहीं हुए इसका आप परीक्षण करते हैं, यानी जो प्रारंभ में अनुमान आपने किया था वो अनुमान आपका सही हो पाया या नहीं हो पाया, ये आप करते हैं। तो क्या है, आगे के शोध के लिए जो आप रिसर्च कर रहे हैं जिस भी टॉपिक पर, उसमें आप आगे बढ़ने के लिए पहले से ही एक अनुमान मान करके चलते हैं कि शायद इस रिसर्च से ये चीज सामने आएगी। ठीक है, तो ये अस्थायी रूप से स्वीकृत परिकल्पना है। ठीक है, अस्थायी रूप से स्वीकृत हाइपोथीसिस है। तो सी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, जिन्होंने भी सी स्टेटमेंट को करेक्ट कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पूछा गया है संचार की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा क्रम जो है वो सही है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में निम्न में से कौन सा क्रम सही है, कम्युनिकेटर मीडियम रिसीवर इफेक्ट मैसेज, या मीडिया मीडियम कम्युनिकेटर मैसेज रिसीवर इफेक्ट, या फिर कम्युनिकेटर मैसेज मीडियम रिसीवर इफेक्ट, या फिर मैसेज कम्युनिकेटर मीडियम रिसीवर या फिर इफेक्ट। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है। सही सीक्वेंस क्या रहेगा, प्रारंभ में कम्युनिकेटर कह लीजिए चाहे सेंडर कह लीजिए, एक ही बात है, तो हम क्या कहेंगे कम्युनिकेटर, उसके बाद संदेश, उसके बाद मीडियम, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद इफेक्ट। अब जैसा पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये क्रम भी सही है यहां पर क्योंकि यही विकल्प हमारे पास बेहतर है, लेकिन यदि मीडियम इधर आ जाता, मैसेज इधर आ जाता, तो वो ज्यादा आप पहली प्रायोरिटी उसे देते। ठीक है, यहां पर हमने इसको चुनना है क्योंकि हमारे पास मीडियम पहले और मैसेज बाद में वाला विकल्प नहीं है, लेकिन यहां पर ये विकल्प है तो हमने इसका ही चयन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है आपने, सी स्टेटमेंट यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पूछा गया है बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र जो कि 1780 में शुरू किया गया था, पूछा गया है किसके द्वारा इसे शुरू किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा, जेम्स ऑगस्टन हिकी के द्वारा, या फिर लॉर्ड क्रिप्सन, या फिर एओ ह्यूम, किसके द्वारा बंगाल गजट जो है वो शुरू किया गया था। बंगाल गजट किसके द्वारा शुरू किया गया था,
जिन्होंने भी कहा है बी स्टेटमेंट यानी कि जेम्स ऑगस्टिन हिकी, बी विकल्प आपका सही है, सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी। प्रेस सेंसरशिप से तात्पर्य है प्रेस पर नियंत्रण कायम करना सरकार का, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रेस पर नियंत्रण कायम किया गया था। राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी या फिर देवेगौड़ा, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है। आपातकाल के समय, इमरजेंसी के टाइम पर आपका प्रेस सेंसरशिप जो है वो लागू की गई थी, तो यहां पर हम करेक्ट आंसर क्या कहेंगे, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जो है करेक्ट आंसर है। आपातकाल 1975 का जो दौर था जिसमें आपकी प्रेस की सेंसरशिप जो है वो लागू की गई थी, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी, 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान प्रेस की सेंसरशिप लागू की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन जैसे न्यू मीडिया के माध्यम से संचार को कहा जाता है, मनोरंजन, इंटरैक्टिव संचार या फिर विकासात्मक संचार या फिर संचार, करेक्ट आंसर आप क्या कहेंगे, ए बी सी या फिर डी। ए बी सी या फिर डी, कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन जैसे न्यू मीडिया के माध्यम से संचार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। ये भी ध्यान में रहे न्यू मीडिया के उपकरण कौन कौन से हैं जो आज के समय में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा न्यू मीडिया है, कंप्यूटर, लैपटॉप और टेलीशॉपिंग, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारा न्यू मीडिया है, तो ये इंटरैक्टिव संचार में आ जाता है, ठीक है, बी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जिन्होंने भी बी को सही कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक का कक्षा संचार किस सिद्धांत पर आधारित है। क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, शिक्षक का कक्षा संचार, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ टीचर किसमें आएगा, इंफोटेनमेंट, एजुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट या फिर एनलाइनमेंट, क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे, जिन्होंने भी कहा है कि इसे हम एडुटेनमेंट कहेंगे यानी कि एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, यानी रुचिकर तरीके से शिक्षण का कार्य किया जाए तो कक्षा संचार जो है वो बेहतर हो सकता है, तो बी स्टेटमेंट यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है, जिन्होंने भी बी को सही कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, पूछा गया है आपने भरना है रिक्त स्थान को कि महत्वपूर्ण है जब एक शिक्षक अपने छात्र के साथ संवाद करता है, कौन सा गुण महत्वपूर्ण है जब एक शिक्षक अपने छात्र के साथ संवाद करता है, सहानुभूति, समानुभूति, उदासीनता या फिर एंटीपैथी, करेक्ट आंसर आप क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी, कौन सा गुण महत्वपूर्ण है जब एक शिक्षक अपने छात्र के साथ संचार कर रहा है। ध्यान में रहे गुण कौन सा आवश्यक है, समानुभूति का, एम्पैथी का, ठीक है, समानुभूति क्या है, दूसरे को, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रख के देखना, यानी बच्चे को कोई समस्या आ रही है, उसको क्या समस्या आ रही होगी, उस स्थान पर अपने आप को टीचर रख के देखे तो एक बेहतर कहीं ना कहीं टीचर स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, तो बी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जिन्होंने भी बी को करेक्ट कहा है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में हम इतना ही कवर करने की कोशिश करते हैं, कल 5 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है, कल के सेशन में अब आपके साथ मेरी मुलाकात होगी, इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, जितने भी बच्चे जुड़े रहे बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चे सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल आपसे 5 बजे फिर से मुलाकात करेंगे, ठीक है, चलिए चिराग जी को और पढ़ना है चलिए आज की क्लास को बच्चे यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, चलिए कल आपसे 5 बजे मुलाकात करेंगे, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है सभी ने वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। चलिए, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में बने रहने के लिए। अगर एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसे भी जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाह रहे हैं एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप से तो आप ले सकते हैं। अभी वर्तमान समय में आपका परचम बैच जो है वो चल रहा है। परचम बैच में अगर आपको 50% डिस्काउंट चाहिए तो सुपर 50 कोड